नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल है और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर ई निकाला था, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस पर क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे. ठीक, तो कैसे निकालेंगे ये देखो. तो इसके अंदर जैसे सपोज करो ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, सच दैट ये साउथ और ये नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम एंड स्मॉल एम. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसके एक्सिस पे डिस्टेंस कहां से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर. तो इसके एक्सिस से कुछ ए डिस्टेंस दूर, ये ए है राइट, ए डिस्टेंस दूर मुझे यहां पर क्या निकालना है? बी निकालना है. ठीक, ये बी निकालना है और मुझे पता है कि टोटल लेंथ इस मैग्नेट की कितनी है? 2L है, तो ऑब्वियसली आधी L आधी L है. ठीक है, तो मेरे को अगर यहां बी निकालना है तो एक पॉइंट को आप समझें. अगर आप वापस इलेक्ट्रोस्टैट्स पे चलें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने एक तरीका सीखा था कि अगर ये चार्ज Q है और मुझे कोई r डिस्टेंस पे E निकालना है तो यहां पर इमेजिन कर लें कितना चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस 1. तो E की वैल्यू यहां पर क्या होती थी? 1/4πε0Q/r2. सिमिलरली अगर यहां पर Q की जगह क्या पड़ी हुई है? पोल स्ट्रेंथ M, और मुझे r डिस्टेंस पे क्या निकालना है? E नहीं, मुझे क्या निकालना है? B निकालना है. E की जगह मुझे क्या निकालना है? B निकालना है. तो जहां पर मुझे B निकालना है वहां इमेजिन करें टेस्ट चार्ज नहीं, टेस्ट पोल, इमेजिनरी पोल, हालांकि एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, पर इमेजिन करें कि यहां पर प्लस को अपने मन में क्या सोचना होता है? नॉर्थ, प्लस मन में नॉर्थ, और इसका चार्ज 1 है तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1. तो जैसे प्लस 1 है ऐसी पोल स्ट्रेंथ 1 मान लेनी है और पोल इमेजिन करना है कौन सा पड़ा हुआ है? नॉर्थ. तो ये एम यहां पर बी क्या लगाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, चार्ज की जगह एम, इसकी जगह आर स्क्वायर, सेम है, क्यू की जगह एम है, आर तो आर ही है, और आंसर रूल वही है, जहां पर आपको बी निकालना है वहां चार्ज नहीं, वहां पोल स्ट्रेंथ, जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ 1 पुट कर देनी है. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो मैं अपने अपने क्वेश्चन पे चलता हूं. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है सच दैट इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? टोटल 2L. तो ये डिस्टेंस कितना है? 2L. ठीक है, 2L. मुझे इसके एक्सिस से, मुझे इसके एक्सिस से सेंटर से ऑब्वियसली यहां पे क्या निकालना है? बी निकालना है. जहां पे मुझे बताओ बी निकालना है ना, अभी डिसाइड किया, जहां बी निकालना है वहां क्या इमेजिन करें? पोल स्ट्रेंथ कितनी? 1, और मन में पोल कौन सा? नॉर्थ. कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है इसके अंदर सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से यहां का डिस्टेंस कितना है? ए. सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है? ए. क्लियर है यहां तक? अब इसमें ये पोल मान लो साउथ है, ये पोल मान लो नॉर्थ है. अब आंसर दें, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो रिपेल करेगा तो इसका बी का कंट्रीब्यूशन कहां होगा? राइट. कितना बोलो? म्यू नॉट बाय 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ एम डिवाइडेड बाय, ये ए है ये एल है, तो ये कितना है? ए माइनस एल. तो क्या बनेगा यहां पर? यहां पर बनेगा ए माइनस एल का होल स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसने, इस नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया तो बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, कितना? इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? एम. इसकी भी कितनी है? एम. तो एम बाय ए माइनस एल का होल स्क्वायर. चलो अब इसकी बात करें, साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो बी इस तरफ लगेगा अट्रैक्टिव. वैल्यू बोलो? म्यू नॉट बाय 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ कितनी है?
m, और डिस्टेंस कितना है, ये a है और ये कितने है l, तो क्या बनेगा a प्लस l का होल, ठीक है। तो अगर मुझे नेट b यहां पर निकालना है एक्सियल लाइन पे, तो मुझे बड़ी b की वैल्यू में से छोटी b की वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। क्लियर है यहां तक? तो कौन है बड़ा, b1, इसके डिनोमिनेटर छोटा है, तो b1 में से b2 जो माइनस करेंगे तो b1 क्योंकि राइट है, राइट है, तो नेट b की वैल्यू भी कहां आएगी, राइट आएगी, तो b एक्सियल कहां आएगा, राइट आएगा, ठीक। तो b एक्सियल राइट आ रहा है, और डायपोल मोमेंट कहां होता है, साउथ से नॉर्थ। तो अगर मैं पूछूं डायपोल मोमेंट एंड b में, नेट b में एंगल क्या है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो था जीरो, p वेक्टर और e वेक्टर में एंगल जीरो, इक्वेटोरियल में 180, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो यही इसमें किया हुआ, आप चेक करो प्लीज, इसमें मैंने मैग्नेट में देखो b1 b2 निकाल लिया, b1 b2 दोनों को माइनस किया, कॉमन निकाला, एलसीएम ओपन किया, 4 को लिखा 2 इंटू 2, एम इंटू 12 क्या होता है, कैपिटल m, तो एक्सएल का फॉर्मूला आ गया, और क्योंकि ये शॉर्ट डायपोल है l को निगलेक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ गया। आप इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर याद करो, सेम ही तो रिजल्ट है, उसमें क्या था 2p by r cube, इसमें 2m by, और सच बताऊं ये असाइनमेंट में रिप्लेसमेंट किया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैट का रिजल्ट लिखा, जहां p था वहां m कर दिया, और जहां 1 by 4 by epsilon naught वहां mu naught by 4 by, बाकी एवरीथिंग सेम। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर चेक कर लो, सेम टू सेम मिलेगा आपको, ठीक है यहां तक ऑनलाइन क्लियर है।